नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कैसे करना है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने खास बनाया है कि मैंने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें मैंने अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज किया था। तो मेरे को उसमें किसी मेरे फ्रेंड ने कमेंट किया कि भाई आपने बैकग्राउंड कैसे चेंज किया, मुझको भी बताइए। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि YouTube के वीडियो में आप लोग अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। YouTube का किसी भी वीडियो में आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं जिसमें भी आप चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि ये वीडियो का बैकग्राउंड आप चेंज कैसे करेंगे और इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बैकग्राउंड चेंज कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे जितने भी वीडियो आप तक पहुँच सकें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे जितने आने वाले वीडियो हैं वो भी आप तक जरूर जरूर पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, जैसा आप देख रहे हो कि अभी आपको बैकग्राउंड जो मेरे इधर से चेंज होता हुआ नजर आएगा ऐसे करके। अभी देखिए, फिर एक बैकग्राउंड नया चेंज होगा। आ जाओ भाई, फिर एक बैकग्राउंड नया चेंज कर रहा हूँ। आ जाओ भाई, देखिए आपको कंटिन्यू मेरे बैकग्राउंड ऐसे करके चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि ये ट्रिक मैंने कैसे करके की है। उसके लिए आपको क्या करना है, क्या क्या आपको जरूरी सामान चाहिए रहेगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए जो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए आपका ग्रीन बैकग्राउंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ग्रीन बैकग्राउंड आप कैसे लाते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। या तो आपके घर में कोई ग्रीन कलर की वॉल पेंट की हुई हो तो आप उसको अपने बैकग्राउंड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप ग्रीन कर्टन लगा सकते हैं दीवार पे, या ग्रीन कर्टन के पीछे, ग्रीन कर्टन को अपने पीछे लगा लीजिए, उसके आगे खड़े होकर आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा। अगर वो भी नहीं है तो आप सबसे सस्ता साधन जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप एक ग्रीन कलर का कपड़ा ले आइएगा, कोई ज़रूरी नहीं है एकदम डार्क ग्रीन हो, थोड़ा लाइट ग्रीन होगा तो भी चलेगा। जैसा कि मैंने अपने पीछे यूज़ किया हुआ है, मैं इसको सिर्फ एक ग्रीन कलर का कपड़ा है और दीवारों पर मैंने क्रिल टांग के उसको, मतलब बहुत ही सस्ते में इसको यूज़ किया हुआ है। तो आप भी इसी सस्ते तरीके से आप काम चला सकते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता है, फालतू में पैसा किस लिए खर्च करना, सस्ते में काम चलाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने इस वही सस्ता काम किया, जुगाड़ लगाया है ग्रीन बैकग्राउंड के लिए, सस्ता का सादा कपड़ा लगाया हुआ है अपने पीछे और दीवारों में कील ठोक के इसको यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी आपको इसके लिए दूसरी चीज़ की जो ज़रूरत होगी वो है किने मास्टर ऐप, आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके थ्रू आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे। अपने मोबाइल में ये किने मास्टर ऐप जो है डाउनलोड कर लिया है और इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन में एक ओपन होगा। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ से वीडियो आप पक्का ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं पे मेन बैकग्राउंड का जो प्रोसेस चेंज करना है उसको कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखने में गड़बड़ मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा लास्ट तक क्योंकि वीडियो के लास्ट में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा इसके बारे में। तो जब ये ऐसा करके स्क्रीन खुल जाएगा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, ये जो प्लस का मार्क आप देख रहे होंगे ए वाले आइकन को आपको यहाँ पे टैप करना है सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पे हम इसको टैप कर देते हैं। अभी टैप करने के बाद यहाँ पे आपको इस टाइप का स्क्रीन आएगा, तीन आपके मोबाइल के रेशियो आ रहे हैं, स्क्वायर में आ रहा है 9:16, 16:9। यूट्यूब में दोस्तों हम लोग ज़्यादातर क्या है कि 16:9 के ही वीडियो बनाते हैं, वही वहाँ पर सूटेबल रहते हैं। तो हम यहाँ पर 16:9 के वीडियो इसको रेशियो को सिलेक्ट कर लिया हमने। अब इस तरीके का यहाँ पर स्क्रीन खुलेगा, इतने सारे ऑप्शन आपको आएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दोस्तों मीडिया, ये मीडिया जो लिखा हुआ आ रहा है मीडिया में आपको यहाँ पे टैप करना है, मीडिया में टैप कीजिएगा। अभी दोस्तों ये आपकी गैलरी खुल जाएगी। वो किने मास्टर में क्या है कि खुद ने भी अपने बैकग्राउंड काफ़ी सारे दिए हुए हैं जो कि प्लेन में है और कुछ अच्छे बैकग्राउंड भी हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के ब्लैक है कलर वाले प्लेन बैकग्राउंड है और इसके नीचे आप देखेंगे कुछ डिज़ाइन वाले ब्लर ब्लैक बैकग्राउंड भी हैं, नेचर वाले भी हैं एक दो। तो यहाँ से आप चाहिए तो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं चाहिए तो जैसा कि मैंने आप बताया, आप YouTube से डाउनलोड कर सकते हैं और YouTube से कैसे डाउनलोड करना है उसका मैंने लिंक अपने, जब वीडियो का आप इंड स्क्रीन देखेंगे तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और नहीं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मेरे चैनल में वो सब्सक्राइब मिल जाएगा, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूँगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ डाउनलोड करके रखे हैं बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ से वो बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा। दोस्तों अभी दोस्तों मैं यहाँ से कुछ बैकग्राउंड एक सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं अपना ये बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, अभी इस टाइप से जैसे मैंने ये बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है, ये ओके वार्निंग दे रहा है लेकिन ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है। काफ़ी सारे बैकग्राउंड होंगे जो दोस्तों कैने मास्टर में आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप दूसरे बैकग्राउंड भी डाउनलोड कर लीजिएगा, नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और
यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड मेरा सेलेक्ट हो गया है, ये बैकग्राउंड मेरा चलेगा। अभी मेरे को जो वीडियो यहाँ पे लेना है, आप देखेंगे यहाँ पे इसमें कुछ बैकग्राउंड तो ये वाला है एक्चुअली, तो इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे कैंची का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप इसको ट्रिम पे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से आप ट्रिम टू राइट प्ले हेड कर देंगे तो, सॉरी इसको अंडू कीजिएगा, ट्रिम टू लेफ्ट प्ले हेड करेंगे तो ये आगे का पोर्शन जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये बचेगा बस। ऐसा कर लीजिए इसको एडजस्ट करके, यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक, ये जो राइट का निशान आ रहा है यहाँ पे इसको टैप कर दीजिएगा, सेलेक्ट हो गया। अब भी दोस्तों इसके नीचे हमको बैक वीडियो डालना है जो हमको एडिट करना है, जिसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो ये दोस्तों लेयर का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से देखिए लेयर का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप इसे टैप कीजिएगा, इसको टैप करेंगे तो इस तरीके से आपके सारे ऑप्शन खुलेंगे। पहला ऑप्शन मीडिया का आएगा, इफेक्ट आएगा, ओवरले आएगा, टेक्स्ट आएगा, हैंडराइटिंग आएगा। तो किसी किसी का जो अगर किनेमास्टर अगर पुराना डाउनलोड किया हुआ होगा तो यहाँ पे मीडिया की जगह वीडियोस का ऑप्शन आता है और जो अपडेट ऐप होगा उसमें मीडिया का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप मीडिया सेलेक्ट कीजिएगा, मेन मीडिया से नहीं जाना है दोस्त, यहाँ रखिएगा लेयर पर टैप करके यहाँ पर जो मीडिया का ऑप्शन आएगा वहीं से आपको सेलेक्ट करना है, मतलब आपको एक लेयर लेनी है। तो आप यहाँ पर मीडिया पर टैप कीजिएगा, अब आपको जो वीडियो एडिट करना है जिसका बैकग्राउंड चेंज करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे मेरे जो है मेरे को इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। अभी दोस्तों देखिए बैक वीडियो जो हमारा है वो बीच में आ रहा है, इसको हम चाहिए तो मैन्युअली खींच के एडजस्ट कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं यहाँ से, और नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप ट्रिम के बाजू में जो आप आइकॉन देख रहे हैं यहाँ पे आप इसको टैप कीजिएगा। ये स्प्लिट स्क्रीन आ रहा है, ये यहाँ पे नीचे देखेंगे हाफ हाफ में आएगा, ये नीचे आ जाएगा स्क्रीन, ऊपर चला जाएगा। मैं इसको 50 स्क्रीन ही फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, ये मेरा फुल स्क्रीन में आ गया। यहाँ पे इसको राइट टैप कर दीजिएगा, ये मेरा दोस्तों सेलेक्ट हो गया। अभी क्या करना है, अभी भी देखिए बैकग्राउंड अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा फिर से, नीचे वाले लेयर आप टैप करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। फिर देखिएगा ये जो ऑप्शन आ रहे हैं आपके आइकॉन, यहाँ पे देखिए नीचे कोने में जो आइकॉन आ रहा है, आदमी बना हुआ है, औरत है, जो भी है देख लीजिए, यहाँ पर आप इसको टैप कीजिए। टैप करने के बाद इस दोस्तों इस आइकॉन को कहते हैं क्रोमा की, तो एक क्रोमा की का आइकॉन है, इसको आपको टैप करना है तभी आपका बैकग्राउंड चेंज होगा। यहाँ पे इसको आप इनेबल कर दीजिएगा, आपने इसको यहाँ पे इनेबल किया। इनेबल करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो पहला एक आ रहा है 28% का, इसके नीचे आ रहा है 50% है डिफ़ॉल्ट है, ये इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो आप इसमें क्या कीजिएगा कि ध्यान रखिएगा कि ये देखिए मेरे शर्ट के ऊपर भी हल्का हल्का बैकग्राउंड आपको दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों वो इसलिए है क्योंकि मैंने जो शर्ट पहनी है वो लाइट ग्रीन कलर की थी, हल्का सा उसमें ग्रीन शेड है, इसकी वजह से इसके ऊपर भी बैकग्राउंड आ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, जब वीडियो एडिट करना होगा, जिस वीडियो का बैकग्राउंड आपको चेंज करना होगा, उसमें आप ग्रीन कलर का कोई भी शेड आपको नहीं होना चाहिए आपके कपड़े पर, नहीं तो उसके ऊपर बैकग्राउंड आ जाएगा सेम टाइम। तो दोस्तों इसको कम करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 28 से मैं थोड़ा सा इसको 30 की तरफ बढ़ाऊँगा। ये देखिए मेरा हाईलाइट हो गया, बैकग्राउंड का कलर भी थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाएगा, तो मैं इसको इतना कर देता हूँ। एक्चुअली 35 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको 34-33 कर देता हूँ, हल्का सा शेड आ भी रहा है। और जितना मैं इसको ज़्यादा करूँगा उतना मेरा देखिए बैकग्राउंड चला जाएगा। और इसको आप मैनुअली अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, एक्चुअली जैसा आपका समझ में आएगा, अच्छा लगेगा आपको वैसा कीजिएगा। मैं आपको एक तरीका दिखा दे रहा हूँ कि आप इसको एडजस्ट करेंगे तो क्या उसके पे इफ़ेक्ट आएगा वीडियो पे। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया, तो दोस्तों मेरा ये रहा अभी 34 पे मैं छोड़ देता हूँ। ये आप यहाँ पे नीचे वाला लेयर देखेंगे, नीचे वाले लेयर को अगर मैं 50 पे है ये मैनुअली बाय डिफ़ॉल्ट 50, इसको अगर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा खुद का पोर्शन गायब होता जाएगा, और जितना इसको कम करूँगा तो ये पीछे का वीडियो जाता जाएगा। तो यहाँ पे बाय 50 ही रहने दीजिए, आप इसको 50 रहने दीजिए दोस्तों, वो ज़्यादा बेटर है, 50 छोड़ देते हैं। अभी आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया है, अभी आपको यहाँ पे इसको ओके पे टिक कर दीजिए, ऊपर टैप कर दीजिए, ये आपका चेंज हो गया है। अभी दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो का बैकग्राउंड जो है इसका लेयर लंबा है, हमारा वीडियो थोड़ा छोटा है। तो आप क्या कीजिएगा कि भाई इसको लेयर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको इस तरीके से कम करते जाइए, ये हो गया आपका वीडियो के बराबर कर लीजिएगा इस तरीके से, ये आपका वीडियो के बराबर का लेयर हो गया, ये पूरा वीडियो आपका बैकग्राउंड अभी चेंज हो गया। अभी दोस्तों मैं आपको इसमें एक और चीज़ और दिखा रहा हूँ कि ये तो हो गया पूरे वीडियो पे एक ही बैकग्राउंड रहेगा।
अगर आपको चाहिए कि भाई एक ही वीडियो में आपको अलग अलग बैकग्राउंड चाहिए तो वो भी आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से। तो आपको ये जो ऊपर वाला लेयर सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ लास्ट में जाइएगा, इसको ऐसे करके कम करते जाइए और कम कर दीजिए। मैं अभी मैं आपको मल्टीपल बैकग्राउंड करके दिखाऊंगा एक ही वीडियो में कि मल्टीपल बैकग्राउंड आपको कैसे करने हैं। ये अभी भी काफ़ी लंबा है तो मैंने इसको और छोटा कर देना है, इतना कर दिया मैंने इसको। ये अभी मेरे को यहाँ पे दूसरा बैकग्राउंड लेना है तो मैं यहाँ पे मीडियम फिर से जाऊँगा और ये जो बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड किए हैं मैं अब यहाँ पर एक ये गॉडजिला का बैकग्राउंड ये डालूँगा, ये डाल दिया। एक बैकग्राउंड और लेना है मेरे को तो मैं अगला ये डाल देता हूँ, एक बैकग्राउंड और लूँगा इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। और बैकग्राउंड चाहिए दोस्तों तो ये देखिए नीचे आपको मूविंग के बैकग्राउंड आपको कुछ दिखेंगे, ये ले लेते हैं। चलिए ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये ले लीजिएगा, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये ले लीजिएगा, ये सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है भाई, तो इसको ले लीजिएगा। तो मैंने इसको ले लिया यहाँ, इसको इस लेयर को इसके आगे भी मैं डालूँगा तो मैं इसको थोड़ा ट्रिम कर देता हूँ, ये हो गया। ओके फिर से मीडिया में जाइए, और चाहिए तो और ले लीजिएगा, आपको जितने चाहिए आप उसको 10, आपको खाली लेंथ उसकी एडजस्ट करनी पड़ेगी बैकग्राउंड के वीडियो के हिसाब से, या वीडियो कम करना है तो उसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा। बाकी आप बैकग्राउंड इसमें कितने भी मल्टीपल डाल दीजिए, जैसे ये डालना है मेरे को मैं ये डाल दे रहा हूँ, अगला बैकग्राउंड आ गया, और डालना है एक, कितने काफ़ी हैं वैसे तो एक मैं और डाल देती हूँ अगला। तो ये मेरे बैकग्राउंड, इतने सारे बैकग्राउंड मेरे आ गए हैं ऑलरेडी। अभी आप देख लीजिएगा, इसको भी थोड़ा एडजस्ट करके वीडियो के बराबर कर देता हूँ मैं इसको, तो एक काम कीजिएगा थोड़ा सा और आगे जाइएगा, और आगे जाइए, इनको थोड़ा सा खींच लीजिए बस, आई थिंक आ गया होगा। ये देखिए वीडियो थोड़ा और बैकग्राउंड थोड़ा लंबा हो गया तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ट्रिम करेंगे, आप एडजस्ट करेंगे, वीडियो तो फिल हो गया। ये आपका बैकग्राउंड पूरा चेंज हो गया दोस्तों। अब भी आप एक ही वीडियो में काफ़ी सारे बैकग्राउंड जो हैं आपको वो दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसको आप राइट राइट का निशान आ रहा है, यहाँ पे इसको आप टैप कर दीजिएगा, ये टैप हो गया। अभी आप इसको यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं, जैसे ही प्ले करेंगे तो अभी देखिए सेलेक्ट किया था, ये देखिए। इसके बाद जो अगला बैकग्राउंड आएगा वो भी गॉडजिला का ही एक इमेज है, वो लिया है मैंने यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट बैकग्राउंड लिया है मणिकर्ण का फिल्म का, तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों कितने बैकग्राउंड आप चेंज कर डाल दीजिए आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है, एक रखना है तो एक रखिए, ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा रखिए। तो दोस्तों हो गया आपका बैकग्राउंड चेंज करने का काम। अभी आप बैकग्राउंड जो है डाउनलोड कहाँ से करेंगे? बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप चाहिए तो यूट्यूब पे जाइए, चेंज बैकग्राउंड या बैकग्राउंड करके सर्च कीजिए, काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, काफ़ी सारे होंगे जो डाउनलोड हो जाएंगे। यूट्यूब से आप डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आपको यूट्यूब क्या दोस्तों, मैंने सारे प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इनसे वीडियो आपको कैसे डाउनलोड करने हैं वो मैंने उसमें प्रोसेस बताया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको इस वीडियो के अभी जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा आपको स्क्रीन में भी दिखाई पड़ेगा वो वीडियो, तो आप उसको ओपन करके देख लीजिएगा। और दोस्तों अभी जो है आप चाहिए तो यूट्यूब से नहीं चाहते तो आप नेट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इसका बैकग्राउंड मैंने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। तो बस यही था आज का वीडियो, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे को कभी भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने